मकान का भाड़ा, बच्चों की फीस, महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो क्यों ना पुराने बर्तन रीयूज करके घर के खर्चों को थोड़ा कम किया जाए। यहाँ देखिए, कब से मेरे पास ये एस्ट्रे रखी है, गिफ्टेड है। इस बार जब मंदिर की सफाई कर रही थी तब ये आइडिया आया कि क्यों ना इसे भी माचिस की तीली और जली हुई बाती रखने के लिए यूज किया जाए, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि इसमें सिर्फ सिगरेट वगैरह ही रखी जाए, क्योंकि मेरे घर में कोई स्मोकिंग करता ही नहीं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर यूज कर लिया। बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों का ये टियारा भी अब कुछ काम में नहीं आता, सुंदर है इसलिए मैंने संभाल के रखा हुआ था। इसे भी आप किचन टिश्यू या कोई भी किचन रोल रखने में यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है इसलिए इसे आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। सुंदर आइडिया है और यूनिक भी, ट्राई करके देखिएगा। पूजा के कपड़े हों या फिर लड्डू गोपाल के, तो उनकी ड्रेस वगैरह को अरेंज करने के लिए आप नए कंटेनर मत खरीदिए। इसकी जगह आप अपने घर में ही रखे गोल स्टील के डब्बों का रीयूज कर सकती हैं, कुछ इस तरीके से। वैक्सिंग के लिए हम इस तरीके के नाइफ का यूज़ करते हैं, पर अगर ये आपके पास नहीं है तो नया मत खरीदिए। इसकी जगह आप बटर नाइफ का भी यूज़ ले सकती हैं, और अगर बटर नाइफ भी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी पुराना चाकू जिसकी धार आप ख़त्म हो गई है एज ए वैक्सिंग नाइफ की तरह यूज़ कर सकती हैं। अगर आप अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती हैं तो ये टिप आपके लिए। इस तरह की डिवाइडर प्लेट्स तो हम सभी के घर में होती ही है, बस इसे ही आप अपनी एंट्री गेट पर या ड्रेसर पर या जहां पर भी आपके हस्बैंड अपने सभी सामान रखते हैं, रेडी होते हैं, वहां पर रख दीजिए। इसमें डिवाइडर्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं ही, इससे उनका सारा सामान एक ही जगह अरेंज भी हो जाएगा और सेग्रीगेट भी। मार्केट में इसकी प्राइस आप यकीन नहीं करेंगी, बहुत ज्यादा है, अराउंड 5 से 10 हजार रुपए तक की है। और अगर आप भी वर्किंग है और सुबह के रश आवर में आपको अपना सारा सामान एक ही जगह चाहिए, तो आप भी ऐसी ट्रिक का जरूर से यूज कीजिए। किचन को अरेंज रखने के लिए एक और सुपर सिंपल आइडिया, मेरे पास माइक्रोवेव की एक एक्स्ट्रा रिंग है, तो इसे ही हम यूज करेंगे। लेजी सुजन बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी थालियां ले ली है, नई पुरानी कोई भी थाली आप यूज कर सकती हैं। बस इस रिंग को हम दोनों थालियों के बीच में रख देंगे और हमारा काम हो गया। थालियों का बॉर्डर ऊंचा होने के कारण सामान गिरने की टेंशन भी नहीं रहेगी, और इस लेजी सुजन का फायदा ये रहता है कि ऊपर रखा सामान उतारने के लिए बार बार हमें स्टूल नहीं लगानी पड़ती, बस थाली घुमाइए और सामान ले लीजिए। साइज देखिए काफी अच्छा है, तो लेजी सुजन आप भी बनाइए और अपनी किचन को व्यवस्थित रखिए। रिंग की जगह आप कंचे या मोती भी यूज कर सकती हैं। ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण हर बार एक नई रसोई और उसके हिसाब से नए ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास इकट्ठे होते चले गए। अब ये शेल्फ मेरे कुछ काम नहीं आती है, तो सोचा क्यों ना इसे फ्रूट बास्केट की तरह यूज की जाए। साइज काफी अच्छी है और 2 टायर है, तो इसे अब मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर एज ए फ्रूट बास्केट की तरह यूज ले लेती हूँ। आप भी ऑर्गेनाइजर्स को नए तरीकों से यूज कीजिए, लुक चेंज भी हो जाएगा और पैसे तो बच ही गए। इसी तरह डाइनिंग टेबल पर ही मेरे हस्बैंड का चार्जिंग स्टेशन है, वे यहाँ पर ही अपना लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी चार्ज करते हैं। इंटरकॉम भी यहीं पर रखा हुआ है, तो सब कुछ मिलकर बड़ा मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैं ये मेटल प्लांटर का यूज करूँगी, इसकी साइज काफी अच्छी है, तो सभी चीजें इसमें आसानी से आ भी जाएंगी और लुक वाइज तो ये अच्छा दिख ही रहा है। स्टैंड होने के कारण नीचे से टेबल वाइप करना भी मेरे लिए अब आसान हो गया है। तो ये सब बताने का उद्देश्य मेरा केवल यही है कि चीजों को नए नए तरीकों से आप यूज कर सकती हैं। इस तरीके की हींग की डिब्बी भी बड़े काम की है, जब हींग खत्म हो जाए तो इसे आप लहसुन रखने में यूज ले सकती हैं। एयरटाइट होने के कारण लहसुन की खुशबू फ्रिज में नहीं फैलेगी, छोटी और कॉम्पैक्ट है इसलिए जगह भी कम लेगी, और ये देखिए कितने सारे लहसुन इसमें आ गए हैं।
मेरी मिक्सर के नीचे सक्शन कप लगे हुए हैं जिसके कारण ये शेक नहीं होती, अपनी जगह बनी रहती है। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि सफाई करते समय, मूव ऑन करते समय मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक पुरानी ट्रे रखी थी तो बस उसी के अंदर अपनी मिक्सर को रख दिया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी ट्रे रखी है तो उसका यूज़ कीजिए। हम हमेशा सॉस और अचार के पाउचेस का डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो इसकी जगह आप अपने घर में रखे पुराने कांच के जार का यूज़ कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी ज़रूरत होगी आप उतना ही सॉस लेंगी। जैसे यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग बना रही हूँ तो मुझे जितनी ज़रूरत है उतना मैं आसानी से ले पा रही हूँ। और जो दूसरी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी अचानक से पिज़्ज़ा के कुछ एक्स्ट्रा ही सॉस निकल आता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी और सॉस का वेस्टेज भी नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा कांच के जार जो आपके घर में पुराने पड़े हुए हैं उनका यूज कीजिए। इस तरीके के स्टील के डिब्बे तो हम सभी के घर में होते ही हैं, तो उन्हें आप जो लंबी कटलरी होती है उनको रखने के लिए यूज़ कर सकती हैं। ये डिब्बा मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कुकिंग कंपटीशन में मुझे ये इनाम में मिला था। तो यहाँ पर इस डिब्बे में थोड़ा और चेंजेस करने की मैं सोच रही हूँ। कुछ फ्रेंडशिप बैंड्स जो मेरे पास रखे हुए हैं तो उन्हीं में से बस एक बैंड में इस डिब्बे को पहना दूंगी। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ छोटी छोटी चमचे वगैरह जो हमें दिखती नहीं है उन्हें मैं इस बैंड के अंदर आगे की साइड लगा दूंगी, जिससे मेरी लंबी कटलरी भी अरेंज हो जाएगी और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी अब मेरी आंखों के सामने हैं। तो आप भी इस तरीके की डिब्बों का यूज़ कीजिए। इसी तरह सेरेमिक के मग्स वगैरह तो हमारे घर में रखे ही होते हैं, तो उन्हें भी आप रबड़ पहना कर वीडियो में दिखाए अनुसार एज अ सेक्शन बनाकर उनका रीयूज कर सकती हैं। घर की छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें छलनी की आवश्यकता तो रहती ही है, तो इसे आप घर में ही बना सकती हैं। कोई भी प्लास्टिक का बाउल जो आपके काम में नहीं आता हो, जैसे मेरा ये बाउल मेरे कुछ काम में नहीं आता है क्योंकि ये प्लास्टिक का है, इसलिए मैं इसे खाने में यूज नहीं लेती हूँ। ये कॉर्नफ्लेक्स के साथ मेरे को फ्री में मिला था, तो इसमें मैंने होल्स बना लिए हैं और ये देखिए हमारी छलनी बनकर तैयार है। इसे आप अपनी किचन में स्पॉन्ज वगैरह रखने में या झूठे बर्तनों से कचरा और पानी अलग करने में यूज ले सकती हैं। रसोई घर का पर्यायवाची शब्द है भंडार घर, तो यहाँ खाने और बनाने दोनों ही चीजों का इतना भंडार होता है कि डेफिनेटली जगह कम पड़ ही जाती है। तो यहाँ देखिए माइक्रोवेव स्टैंड की सहायता से मैंने कितना सारा स्पेस यूज कर लिया है। स्पेस सेविंग और स्पेशली किचन से रिलेटेड वीडियो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो अगर आपकी भी रसोई छोटी है और किचन में आप ज्यादा सामान प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं तो सुन रही सखी चैनल सिर्फ आपके लिए। तो आज ही आप भी अपने माइक्रोवेव स्टैंड जो ज्यादा कुछ काम में नहीं आता है उसका यूज कीजिए और अपनी किचन में ढेर सारी जगह बनाइए। इस तरीके की ग्लास की बॉटल्स तो हम सभी के घर में होती ही है और इन्हें हम डेली यूज भी लेते हैं, पर इनमें एक प्रॉब्लम है कि इसकी लीड में होल है जिससे कीड़े मकोड़े या कॉकरोच अंदर चले जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये मिठाई का कवर ले लिया है और इसे मैंने ढक्कन की शेप में कट कर लिया है। मेरे ढक्कन ऑलरेडी बहुत सुंदर है इसलिए मैं इन्हें बाहर से नहीं चिपकाऊंगी, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। मैं इन्हें अंदर की साइड से पेस्ट कर दूंगी, इसके लिए मैं फेविकोल का यूज कर रही हूं। तो इस तरह ये शॉर्टकट्स हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं और हमारे ढेरों पैसे भी बचाते हैं, तो आप भी यूज कीजिए। मेरे बच्चों की स्टडी टेबल पर ऑलरेडी एक बड़े साइज का पेन स्टैंड है, तो ये उनके कुछ काम में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा इसका भी रीयूज किया जाए। किचन के कुछ आइटम जिनकी जरूरत हमें अक्सर पड़ती रहती है उन्हें मैंने इसमें अरेंज कर दिया है।
एक्चुअली पहले मैं इन्हें कटलरी होल्डर में ही मिक्स करके रखा करती थी तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो इसलिए एक्स्ट्रा सामानों के लिए आप भी एक अलग से होल्डर बनाइए। चीज़ें आसानी से मिल भी जाएंगी और पुराने जो इस तरीके के स्टैंड आपके पास रखे हुए हैं उनका भी रीयूज़ हो जाएगा। इसी तरह बॉटल वगैरह रखने के लिए इस तरीके के बैग भी हम सभी के घर में रखे ही होते हैं, तो इन्हें भी आप रीयूज़ कर सकती हैं। इसके अंदर आप पॉलीथिन्स रख सकती हैं, किचन नैपकिन्स वगैरह को अरेंज करके रख सकती हैं, तो इस तरह इनका आप रीयूज़ कर सकती हैं। कॉम्पैक्ट होता है इनका साइज़ और सबसे अच्छी बात है इसे आसानी से हैंग भी किया जा सकता है। बच्चे जब छोटे थे तब डीमार्ट वगैरह से इस तरीके के गिलास ले आते थे, पर अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इन बेकार पड़े प्लास्टिक के गिलास को आप या तो सफ़र में यूज़ कर सकती हैं या फॉइल पेपर से रेप करके या थोड़ा सा डेकोरेट करके डाइनिंग टेबल पर एज ए कटलरी होल्डर या नेपकिन होल्डर की तरह रीयूज़ कर सकती हैं। इसी तरह पुराने पड़े टिफिन की रिंग को क्लिप्स या बाइंडर पिन आदि को अरेंज रखने के लिए रीयूज किया जा सकता है। रसोई के लिए आई थिंक इतनी छोटी सी रिंग ही सफिशियंट है। मेरे पास ये एक छोटा सा वुडन बॉक्स भी रखा हुआ है, तो इसे भी मैं अपनी रसोई में यूज़ कर लेती हूँ। कुछ अलग टाइप की जो टी होती है और कॉफ़ी के जो सेशे होते हैं उसे रखने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। और अब पुराने जार का इससे बेहतरीन रीयूज़ आपने नहीं देखा होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार माता अन्नपूर्णा या भगवान गणेश को हमें अपनी रसोई में जरूर से स्थान देना चाहिए। इससे रसोई में बरकत होती है, अन्न के भंडार भरे रहते हैं। पर दूसरी तरफ हम अपनी रसोई में लहसुन प्याज और कुछ लोग नॉनवेज अंडा आदि पकाते हैं जिसकी खुशबू भगवान जी तक जाती है, तो वो ठीक नहीं है। इसके लिए आप भी मेरी तरह एक कांच के जार में भगवान जी को रखिए। इससे उन पर धूला भी नहीं जमेगा और लहसुन प्याज नॉनवेज की जो खुशबू है उससे भी वे दूर रहेंगे। ये एक शील्ड या मास्क की तरह काम करेगा, ये मेरा मानना है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। धनिया मिर्ची करी पत्ता तो मस्ट है, हर सब्जी हर डिश में मोस्टली डलता ही है और ये तीनों हमें मोस्टली एक साथ ही लगते हैं, तो इन्हें मैं इस स्टील के टिफिन में स्टोर करके रखती हूँ। सबसे ऊपर क्वांटिटी के हिसाब से करी पत्ता, फिर हरी मिर्च और सबसे नीचे धनिया को मैं स्टोर करके रखती हूँ। आप भी इस तरीके के टिफिन का यूज कीजिए। इसका फायदा ये है कि तीनों चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। कॉम्पैक्ट है इसलिए स्पेस भी कम लेता है और स्टील का होने के कारण इसे वॉश करने में भी आसानी रहती है। इस तरीके के डिब्बे रसोई के लिए एकदम सही चुनाव है। स्क्वायर शेप, ट्रांसपेरेंट और कांच के होने के कारण मसाले सुरक्षित रहते हैं, पर इसकी लिड प्लास्टिक की है और ये देखिए डिब्बा तो पूरा सही है पर लिड इसकी क्रैक हो गई है। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो वीडियो में दिखाए अनुसार प्लास्टिक के टुकड़ों को निकाल लीजिए और किसी फाइल या मोटी प्लास्टिक की शीट को राउंड कट करके फिक्स कर दीजिए। इस तरह डिब्बा डिस्कार्ड करने की जगह उसे फिर से रीयूज कीजिए। बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।
अगर आपके पास एक्स्ट्रा ट्रे रखी हुई है तो बड़े साइज के घी और तेल के डिब्बों के नीचे भी इनका यूज कीजिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग हमेशा छोटे साइज के घी और तेल के कंटेनर के नीचे ही ट्रे का यूज करते हैं, पर आप बड़े साइज के डब्बों के नीचे भी यूज कीजिए। इससे आपकी रसोई चिपचिपी नहीं होगी और सफाई बनी रहेगी। बात पते की है, नोट कीजिएगा। पराठा क्रिस्पी और चारों तरफ से अच्छे से सिक कर फूल सके, इसके लिए हम पराठे पर घी या तेल लगाने के बाद इसे प्रेस करते हैं, पर हर बार यूज लेने के बाद इसे प्लेटफॉर्म पर यूं ही छोड़ देते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म की गंदगी इस पर चिपक जाती है। इसलिए मैं इसे हमेशा एक प्लेट में रखना प्रीफर करती हूँ। ऐसा करने से एक फायदा और ये होता है कि इसकी चिकनाई से प्लेटफॉर्म भी चिपचिपा और ऑयली नहीं होता है। इसी तरह सेरेमिक के इस कंटेनर को भी मैं एक ढक्कन में रखती हूँ ताकि ये टूटे नहीं और लंबा चले। गर्मियाँ इतनी है कि सब्जियाँ बहुत जल्दी मुरझा जाती है। एक दिन में ही गाजर की ये हालत है, तो गाजर है, ककड़ी है, नींबू है, गिलकी जो मुरझा जाती हैं तुरंत, उन्हें आप थोड़े से पानी में डिप करके या अच्छे गीले कपड़ों में लपेट करके रखिए। ऐसा करने पर ये लंबे समय तक फ्रेश बनी रहेगी। 5 मिनट का काम और आराम ही आराम। टिफिन में चम्मच के साथ साथ एक कांटा फोक जरूर से रखिए उनकी सेफ्टी के लिए। इमरजेंसी में ये कांटा भगवान शिव के त्रिशूल की तरह उनकी रक्षा करेगा। इसकी मदद से बच्चा अटैक भी कर सकता है और रस्सी के धागों को तोड़कर अपनी जान भी बचा सकता है। वीडियो में देखिए, फोक को आप एज ए स्ट्रेनर की तरह भी यूज कर सकते हैं। पकोड़ा टिकिया तलने के लिए तो ये बेस्ट है। इसके प्रयोग से तेल भी वेस्ट कम होता है। तो चीजों का ज्यादा से ज्यादा रीयूज और रिसाइकल कीजिए और नए सामानों में कम से कम इन्वेस्ट कीजिए। इसी तरह पुरानी रखी हुई कोई भी बॉटल, चाहे वो स्टील की हो या प्लास्टिक की, आप रबर बैंड की सहायता से लंच बैग में रीयूज कर सकती हैं। वीडियो में देखिए मैंने इसको किस तरीके से रीयूज किया है। हमारे घरों में इस तरीके के बॉक्स तो हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं, तो एक सीक्रेट प्लेस पर मैग्नेट चिपका कर आप ऐसे बेकार पड़े डिब्बों का सही रीयूज कर सकते हैं। घर की चाबी छुपानी हो या ज्वेलरी, ऐसे मेटल के बॉक्स हमारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो इनको फेंकिए नहीं, इनका भी रीयूज कीजिए। धूप लोबान को जलाने के लिए मैं अभी तक मिट्टी के दिए का ही यूज करती थी, क्योंकि पीतल की धूपदानी बहुत काली हो जाती है और उसे साफ करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। पर मिट्टी के दिए में ये प्रॉब्लम है कि उसे पकड़ने के लिए मेरे पास कोई हैंडल नहीं होता और कई बार लोबान स्लिप भी हो जाती है। तो अभी अभी ये आइडिया आया कि इस तरीके के मोमबत्ती स्टैंड ज्यादा सही है। इसमें लोबान प्रॉपरली खड़ा भी हो जाता है, सारी ऐश राख भी इसी में रहती है, पकड़ने के लिए हैंडल भी है और सुंदर तो ये है ही। तो आप भी आज से इसी का ही यूज कीजिए। आपके लिए नए पुराने सभी आइडियाज को क्लब करके मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ।